नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार। आज हमारे साथ हैं अनीता गुप्ता जी, जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और साथ ही माँ शक्ति ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की मेंबर है, जहाँ पर सभी परिवारों का मिलन होता है, शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का युवा लव मैरिज करता है, जिसकी वजह से उन्हें कई दुविधाओं में पड़ता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शादी का तरीका है वो सही तरीका क्या है, ताकि जो हमारा युवा है इन दुविधाओं में ना पड़े। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस समय ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो प्यार में और घर से भाग के शादियां करते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो शादियां ठीक करा रहे हैं गलत है। वो पता उनको तब लगता है जब कोई लिटिगेशन में फंसते हैं, तो पता लगता है कि ये तो शादी है ही नहीं, कानून की निगाह में नहीं है, जबकि उनको लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान के अंतर्गत यहाँ पर शादियाँ जो होती हैं उसका सबसे पहला स्टेज है नोटराइज मैरिज। तो आप एफिडेविट्स लड़का लड़की दोनों देते हैं और एफिडेविट में बताते हैं अपने बारे में और वो एक इंटेंशन जाहिर करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। वो जो स्टैम्प पेपर पे जो आप जो अपनी एफिडेविट्स देते हैं, उसके बाद वो नोटराइज मैरिज होती है। नोटरी उनको अपने रजिस्टर में एंट्री करता है कि ये शादी करना चाहते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है उनकी कास्ट के ऊपर कि वो किस धर्म के हैं। अगर वो सेम धर्म के हैं तो वो हर धर्म के आधार पे उनकी शादियां हिंदू हैं तो आर्य समाज रीति में होती है, और अगर मुस्लिम हैं तो उनके धर्म के हिसाब से काजी पड़ता है गुरुद्वारे में या चर्च में। धर्म के आधार पे शादी होती है और उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो धर्म के आधार पर ये शादियाँ यहाँ तक वैलिड हैं। लेकिन अगर कोई दो विभिन्न धर्म होते हैं, जैसे एक हिंदू और मुस्लिम धर्म हो गया, तो इनके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसके अंतर्गत की शादियां रजिस्टर की जाती हैं और धर्म परिवर्तन करके भी शादियां होती हैं। एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में परिवर्तन कर सकता है और फिर उसी के आधार पर जिसमें उसने परिवर्तन किया है उसके कास्ट और सेरेमनीज़ के आधार पर शादियाँ रजिस्टर हो जाती हैं। शादी रजिस्टर करने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि मेजर होना चाहिए, लड़की 18+ एंड लड़का 21+ उम्र का होना चाहिए, और उनकी अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, विदाउट एनी फोर्स एंड इन्फ्लुएंस, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ उसमें दो विटनेसेस की ज़रूरत होती है, दो गवाहों की ज़रूरत होती है, वो कोई भी हो सकते हैं, बट दोनों गवाह मेजर होने चाहिए। और उन लोगों की ओनली आईडीज़ की ज़रूरत होती है, एक आधार कार्ड ज़रूरी होता है। लड़कियां और लड़के जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी दो आईडीज़ चाहिए होती है, एक एड्रेस प्रूफ के लिए और एक उनके लिए एज प्रूफ के लिए। लड़की के लिए एज प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब ये शादी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद एक सब रजिस्ट्रार मैरिज भी होती है। कुछ लोग यहीं तक शादी करा लेते हैं, इंडिया में यहाँ तक वैलिड है, लेकिन अगर हमें अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड में हमारी इंडियन में जितने भी कास्ट में ये शादियाँ होती हैं वो वैलिड नहीं हैं। हर मैरिज को जो हज़ार, जैसे भी आपने केस सुना होगा अपने इस प्लेयर ने जो शादी की थी बाहर विदेश में, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई थी, शादी रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी। दैट इज़ द वे, वही एक कारण है क्योंकि वो इंडिया के बाहर हुई थी। उसके लिए एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होती है, यानी ये शादी हो गई, इस शादी के बाद एक फिर एप्लीकेशन दी जाती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो एरिया का होता है जहाँ या तो लड़का लड़की रहते हों या जहाँ उनकी शादी हुई हो, वहाँ पर वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं। और उसके बाद ये ऑनलाइन शादी होती है और सब रजिस्ट्रार के सामने, जहाँ विटनेस भी आते हैं, लड़का लड़की भी आते हैं, और शादी वहाँ पर रजिस्टर हो जाती है। और इस शादी को रजिस्टर होने के बाद किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक खुद फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर विटनेस होते हैं और खुद सब रजिस्ट्रार एसडीएम जो है वो खुद एक इसमें शादी अपने सामने करवा रहा है, गवाह होते हैं। इसमें पांचों उंगलियों के अंगूठे के और आयरिस के आंखों के ये सारे के सारे लिए जाते हैं और प्रॉपर एक बुक के अंदर रिकॉर्ड रजिस्टर होता है जिसमें उनका नाम, शादी का डेट और किस वॉल्यूम में किस पेज पर शादी हुई, जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी, वो आपका रजिस्टर हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसीजर। ये रजिस्टर्ड मैरिज होती है, इसमें कितना समय लगता है?
मैडम, वैसे तो मैरिज का जो फुल प्रोसीजर है उसमें 1 मंथ का होता है। 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना होता है, आपको पहले एक लड़का लड़की सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और उनको अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम बालिग हम शादी करना चाहते हैं। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से एक नोटिस जाता है लड़का और लड़की के घर पर, उसको प्रॉपर चस्पा किया जाता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है इस शादी से वो आके दफ्तर में इन्फॉर्म करें। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीज़र है क्योंकि मैक्सिमम 90% लोगों को इसमें आपत्ति होती ही होती है। तो इसका एक और तरीका है, शॉर्ट जो तरीका है वो तरीका ये है कि पहले हम इसको ये सेम डे में हो सकता है सारा काम, 1 मंथ का नोटिस पीरियड को वेव करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम सबसे पहले आएँ शादी के लिए, हम एफिडेविट वाली नोटराइज मैरिज कराएँ, सेम डे हम उस धर्म के आधार पे, चाहे वो आर्य समाज में हो, चाहे चर्च में हो या गुरुद्वारे में हो या मस्जिद में हो, वो अपनी शादी धर्म के आधार पे कराएँ, उसका सर्टिफिकेट लेके सेम डे दे कैन अप्लाई इन द सब मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस फॉर ए रजिस्टर्ड मैरिज। तो वो 1 महीने का नोटिस भी, टाइम पीरियड भी वेव हो जाता है और वो ईजीली आपको 2 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आज का युवा है, जो कि अक्सर फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करता है, आप इनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्यार में जो बच्चे अंधे हो जाते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आजकल शादी, क्योंकि मैं तो फैमिली वेलफेयर कमेटी में मेंबर भी हूँ जो कि यही जहाँ केसेस आते हैं थाने के अंदर कि लव मैरिज की, इसमें 90% केसेस वो होते हैं जो कि घर टूट रहे हैं, वो लव मैरिज है। क्योंकि लव मैरिज के में कई बारी प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो जो प्यार से शादी करने से पहले जो एक लड़का लड़की एक दूसरे को जिस रूप में देखते हैं, प्यार के रूप में, उनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद घर की जिम्मेदारियों में जब लड़का भी बनता है लड़की भी बनती है तो उनको कुछ परेशानी होने लगती है। वो फील करते हैं कि शादी से पहले तो मेरे को फुल टाइम देता था, प्यार करता था, घुमाने लगे, वो अब नहीं करते, वो जीवन के धरातल पर नहीं आ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और यही लव मैरिज में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मेरा तो यही कहना है, और उससे भी बड़ी एक बात और होती है लव मैरिज में, मुझे सबसे लड़कियों को भी एक संदेश देना है कि प्यार में अंधे होके वो शादी कर रही है ठीक है, लेकिन वो कम से कम अपना माइंड इतना तो ओपन रखें, ये तो पता करें कि जिस प्यार में अंधे होके जिस व्यक्ति वो शादी करना चाह रही है क्या वो उनको मेंटेन कर पाएगा, क्या पूरी लाइफ लॉन्ग वो उनके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या उसकी वो सॉलिड है, क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो उनका ज़िंदगी भर बोझ उठा पाए। क्योंकि शादी जो करने के बाद पेट तो प्यार से तो भरता नहीं है, उसके लिए तो पैसे भी चाहिए होते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया है उनसे ज़्यादा वेलफिशर उनका कोई हो ही नहीं सकता। मेरा उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने अगर उनके प्यार में इतनी ताकत है और ट्रू लव है उनका, जो वही ट्रू लव है जो आगे तक जाएगा, 50% उनको पेरेंट्स ज़रूर कंसेंट देंगे। क्योंकि आज के पेरेंट्स भी बहुत एडवांस हो चुके हैं और वो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, डिफरेंट धर्म है तो भी वो उसको अलाउ करते हैं। मैं खुद भी पर्सनल व्यू पे देखूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे किसी भी धर्म में शादी करें, और आगे इस समय भी सारे लोग ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की सुने। जहाँ उनको लगता है कि नहीं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कट्टरवादी रूढ़ीवादी हैं, नहीं कर रहे हैं शादी, तो कम से कम अपनी लाइफ में किसी एक बड़े को, सीनियर को, या अपने फैमिली के किसी व्यक्ति को या फ्रेंड्स को वो अपना बनाएं और उनसे वो पूछें कि क्या ये मैं ठीक है, मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे। पेरेंट्स का मना करने की वजह बहुत होती हैं क्योंकि वो कई बार अपने डर जाते हैं कि अपने समाज से, परिवार से, कि दूसरे धर्म में कर रही है, पता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ ज़रूर ऐसे लोग होते हैं हर किसी की लाइफ में जिस पे वो पूर्ण रूप से अपने आप को ओपन करके उनसे पूछें कि क्या मैं इस लड़के से शादी कर रही हूँ या लड़का मैं इस लड़की से शादी कर रही हूँ, उसको नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कि क्या ये कॉम्पिटेंट है लॉन्ग टर्म में। बेशक मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या ये लड़का या लड़की हमें लॉन्ग टर्म हम सर्वाइव कर पाएंगे,
क्या इसमें ऐसी कोई, क्योंकि वो प्यार अंधा होता है, उनको खुद समझ में नहीं आता, और पेरेंट्स को भी सोचते हैं ये लोग कि पेरेंट्स भी हमारे प्यार को नहीं समझते, लेकिन हाँ कुछ और लोगों से, अपने खास वेलफिशर लोगों से पूछें, उनसे समझें, उनसे सलाह लें, तब जाके ये डिसीज़न लें। और मेरी आग्रह उन एडवोकेट्स वकीलों से भी है जो शादियाँ कराते हैं कि आप शादियाँ कराते में ठीक है आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी रोज़ी रोटी है, लेकिन आप एक समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको हमेशा लड़का लड़की जो शादी के लिए आता है उनका एक अलग से सेपरेट एक इंटरव्यू लेना चाहिए, उनको पूरी तरीके से समझना चाहिए कि क्या ये लोग शादी करके आगे अपना एक लाइफ हैप्पीली गुजार सकते हैं, क्या इतने कॉम्पिटेंट हैं, ये शादी करनी चाहिए तभी करवानी चाहिए, अदरवाइज़ उनको समझा देना चाहिए, अपनी पूरी ड्यूटी निभा देनी चाहिए। आज हमने बात की अनीता गुप्ता जी से, जो कि बहुत बड़ी समाज सेविका है और हर समाज के लिए से सेवा के लिए तत्पर रहती है। धन्यवाद अनीता जी। थैंक यू सो मच। और मैं आग्रह करूंगी एसएम चैनल से कि इस तरीके से जो समाज की जागरूकता में वो एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और मुझे पता है कि वो हर क्षेत्र में जो समाज में आजकल बुराइयां चल रही हैं वो अपने चैनल के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी शुभकामनाएँ उनको कि इसी तरीके से समाज को वो अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करें और समाज को एक नई दिशा में बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेदार भूमिका इसी तरीके से निभाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।